मर गए मोहनी, रह गया मोहित, आने दो मनमोहन को, क्या नाटक दिखाओगी कि वो भी सोचेंगे और सब आने दो। अबे ना हो पाएगा फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया मतलब फरमाइश है और हम लोग पूरा करें ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो तो रेल मेरी रानी बरात मालिक है। अरे काहे की इंसल्ट करती है बरात मालिक है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ राजा। देखो मैं तुम्हारा देखिए गौर करिए, संगीत पे आप लोग गौर करेंगे। हेलो सर, हेलो। मनोरंजन की जगह मनोरंजन, लेकिन संगीत को समझना जरूरी है, नहीं खराब हो जाएगी बात। देखिए तुम्हारा ये चेहरा क्यों तरह है ये तो बताओ। रो ना रो रनिया, चुप हो जा, काय रो होती है बोलो। बता ममता रानी क्यों आँखों में Thank you.
मैं बात करा करूं तो मेरे तरफ देखा करो सही बात सच बता मुझसे सही बात सच सच मैं आंसू नहीं देखा था ममता, आखिर बात क्या है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, हमसे बताओ कि बात क्या है। मेरा जो जरूर बताऊंगी, आखिर तुमसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी, बताओ। अरे लगा फांसी किसी दिन ली बिटिया तुम्हारी, नहीं ठीक तबीयत नहीं थी हमारी, नहीं जब से इस घर में फांसी लगा कर मर गई तब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक नहीं रहती है। यहाँ तक कि जब भी मैं सोती हूँ बहुत बुरे बुरे सपने देखती हूँ। आखिर क्या देखती हो ये तो बताओ। यहाँ तक कि मैं ओझा के पास भी गई थी। ओझा के पास गई थी? हाँ राजा जी। ओझा ने क्या बताया? ओझा ने कहा कि ये भूत प्रेत की बात है, तुम्हारा कोख बंद कर दिया गया है, तो कभी माँ नहीं बन पाएगी, आखिर जब मैं माँ बन नहीं पाऊंगी तो जीने से क्या फायदा है राजा जी। अरे भाई हमें क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, अगर हमारी जिंदगी तुम्हारे काम आ जाए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रोना हमारा रानी हो हमारा राजा। सुख ओझा ने कहा कोई कुंवारे लड़के बलि चढ़ाना पड़ेगा तब तो तुम्हारा कोख ठीक हो जाएगा, खुल जाएगा, बच्चा होने लगेगा। नहीं तुम्हारा बच्चा की बलि चढ़ाने से मतलब तुम्हारी कोख खुल जाएगी? हाँ राजा जी, नहीं तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। यार घबराओ नहीं, अपने पास जुगाड़ है, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यार कुंवारा लड़का कौन है? वही रहमान है, उसकी शादी नहीं हुई है, सोचते हैं उसको काट दें तो ठीक रहेगा। और वो जो भोलू है वो भी अभी कुंवारा है, सोलू है वो भी कुंवारा है, तीन लौंडे हैं, तब तो फिर मान लो कि सारा मामला सेट हो जाएगा। एक एक करके बुलाता हूँ। रहमान, अरे रहमान,
काम भर गया साले। आ गया क्या बात जा? तुम हमारे बच्चे की तरह हो। हाँ है, तुम्हारी हमने परवरिश की। हाँ की, ये तो आपका एहसान है मुझ पर कि जो आपने हमको पाला और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, सारी जिंदगी एहसान। आदमी क्यों पालता है बच्चे को, एक दिन बच्चा उसके काम आए। बस बस बस, मैं आप, तुमने मेरा नमक खाया है क्या? नहीं भैया, मैं आपका नमक नहीं खाया हूँ। हाँ, मैं टाटा नमक खाया हूँ। बात ये नहीं है, कहने का मतलब है कि एक नमक हरामी होती है, एक नमक हलाली होती है। मैं नमक हलाली करूंगा भैया। नमक हलाली करोगे? हाँ। रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। आज ही नाम है, कहाँ है? आज तुमने हमारे साथ इतने दिन से बड़ी वफादारी किया है, आज तुम नमक हलाली कैसे किया जाता है मैं तुमको बताता हूँ। हाथ लाओ, बहुत प्यारा हाथ है, इसे पहचानते हो? हाँ भैया, छोरी आते हैं, इसी से तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अरे चिल्लाना नहीं, इसमें तेरी भौजाई की जिंदगी का सवाल है। ए भैया, हाँ भौजाई जिंदगी के कमवार जिंदगी खराब हो जाए, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए साले, हमसे मतलब नहीं है। ए, 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 करा। मेरी रानी ठीक हो जाए बस। ए भैया, हाँ अबे तेरी मारा क्यों बे? नहीं पापा, क्या करेगा साले, शादी हो गई होती तो आज बच जाता तू। ए वो भैया, जवानी मार हो गया, आपके पाप लगी, पाप लगे साले, पुल लगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। ए वो भैया, एक दाई नरक देख ले तब मारा। नरक कहाँ से लाऊ मैं, जो उन्हें नरक के चक्कर। एक मिनट संगे, मेरे राजा बैठे, अभी मुझको खून की जरूरत है। परेशानी, परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। हाँ बैठिए बैठिए, अपने घर में है ना? हाँ कौन? अभी आप नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज नहीं होऊंगा। वो मोहित है ना? हाँ। वो भी तो कुंवारा है। अरे अनु, तो मेरा इकलौता बेटा है। अरे इकलौता बेटा, एक ही बैठे की बात है। अरे मार दोगे जान से, मैं ठीक हो जाऊंगी। रही बात बच्चे की, मैं सैकड़ों बच्चे की लाइन लगा दूंगी। मतलब एक बच्चा मरने से तुम्हारी कोख खुल जाएगी तब, और उसके बाद तुम सैकड़ों बच्चों की लाइन लगा दो। लाइन लगा दूंगी, जितना बच्चा चाहते उतना बच्चा। यार ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि 100 बच्चा तो बहुत ज्यादा होता है यार। सारी दुनिया अपना विकास देख रही है, अब मैं लगा कि अब मेरा विकास होगा। ठीक है, घबराओ नहीं, अब तो खुश हो जाओ। बाबा आ जाओ मेरे यारी। रजू शर्वात भाई के गगरिया, चले ली जब गुजरिया, तो संग संग लाए के कमरिया। हो अनार वाला तुम लोग गाना सुना था, इसको थोड़ा सुन लीजिए, नई चीज है ये, हम सुनेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ
चमकेला चिल्हवा मछरिया मछरिया और क्या हो चमकेला चिल्हवा मछरिया चढ़ेली जब गुजरिया संजना कमरिया वक्त बहुत कम है हमारे पास इस वक्त चलते हैं। तुम्हें तुम्हारा लड़का चाहिए ना, तीन लड़के हैं या मोहितवा या भोलू या सोलू, किसी को भी मैं आज काट के लाऊंगा, जो मौके से मिला उसी को काट दूंगा। चलता हूं मैं, जाओ जाओ जाओ, आप लोग बैठे रहिए देखते रहिए क्या से क्या करती हूँ। यहाँ हमारे अरविंद विजेता मुक्त फुटबॉल है, 11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत अपने बंधन करते हुए। अब यह मनमोहन जा रहा है अपने पोतियों को काट खाने का, रह गया कौन उसका भाई, वो भी रास्ता ढूंढ निकालूंगी। आने दो नेता बलिराम को तो बताती हूँ। क्या बात है, मनमोहन का बेटा थाने में शिकायत करके बहुत बड़ी गलती किया है साला। क्या आपको शिकायत थाने? हाँ, मेरी बात का सलाह मैं कहना क्या चाहता, क्या कहना चाहते हैं? All right.